A very good morning to all of you. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID. And today I'm going to discuss a very important, crisp, clear topic, norms in psychological testing. So for more updates, please join the Telegram group Explore Education. And this video will be bilingual. Subscribe my channel. And this video will be useful for certain teaching examinations. Okay, so let's start. First of all, norms. मानक हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं educational measurement and evaluation के तहत, जैसे कि हमने बात की standardized scores पर, हमने बात की NPC पर, हमने बात की scaling पर, हमने बात की raw score को standard score में बदलना क्यों जरूरी है, और उसी क्रम में आता है मानक. मानक क्या है? Norms represent the score distribution of a test in a representative sample, providing us the standard frame with which to compare individual scores. जिस तरीके से हमें raw score को standard score में बदलना जरूरी था ताकि हम कुछ बता सकें, ये बता सकें कि performance कैसी है, above average है, below average है, किसी के reference में, क्योंकि इंडिविजुअल हमारी परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है जब तक हम ये नहीं बताते कि हमने कैसा परफॉर्म किया. क्यों? क्योंकि हमको इवेल्युएशन करना है, आफ्टर ऑल हमको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है. इवेल्युएशन करने का मतलब कि हमको मूल्य प्रदान करना है. मूल्य प्रदान करने का मतलब कि हमको बताना है कि अच्छा है या कम अच्छा है, बेहतर है, श्रेष्ठ है, क्या है. तो इसलिए तुलना जरूरी है. तो तुलना के लिए हमको सबको एक कहीं कुछ सेट करना पड़ता है, इसीलिए हमने रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में बदला था. या आप ये कह सकते हैं कि नॉर्म्स का ही एक प्रकार स्टैंडर्ड स्कोर है. तो स्टैंडर्ड स्कोर तो हम पढ़ चुके हैं. तो नॉर्म्स किस लिए जरूरी है? कि जब एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेस्ट में स्कोर का, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अगर हमने लिया है तो स्टैंडर्ड फ्रेम के अगेंस्ट हमको इंडिविजुअल स्कोर को क्या करना होता है, इवेलुएट करना होता है. ओके, इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जब हम साइकोलॉजी के परीक्षण कर रहे होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहे होते हैं, नॉर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एवरेज स्कोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स. नॉर्म्स को हम एवरेज भी कह सकते हैं. तो ये एवरेज स्कोर्स हैं इंडिविजुअल्स के, टेस्टेड फ्रॉम ए सर्टेन पॉपुलेशन सेट विच प्रोवाइड द बेसिस बाय विच द स्कोर्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स विद इन अ सिमिलर पॉपुलर सेट कैन बी इवेलुएटेड अगेंस्ट. यानी कि नॉर्म्स कहां से हमको मिलते हैं? सर्टेन पॉपुलेशन सेट जो कि रिप्रेजेंटेटिव है, जिस हमारे सैंपल जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लिए एवरेज स्कोर पहले से निर्धारित है, बना के रखे गए हैं परीक्षणों के, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन अपने सैंपल पे जब टेस्ट करें तो हम उस रेफरेंस से इसको कंपैरिजन करके बता दें कि कैसा परफॉर्मेंस है. ओके, एज सच द प्रोसेस ऑफ नॉर्म बेस्ड इवेल्युएशन इज मोर और लेस अ वे इन विच टेस्ट स्कोर्स आर यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ अ पर्सन कैन बी रैंक्ड एज कंपेयर्ड टू एवरेज सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर देयर पॉपुलेशन सेट. मतलब कि हम कोई भी परीक्षण अपने स्टूडेंट्स पे, अपने सब्जेक्ट्स पर जब अप्लाई करेंगे तो हम एवरेज सेट ऑफ नॉर्म्स से उनकी तुलना करेंगे कि जो इस प्रकार के परीक्षणों पर पॉपुलेशन का एवरेज नॉर्म क्या है, तब हम बता पाएंगे कि आपने एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है या आपने एवरेज से खराब परफॉर्म किया है. ओके, फिर नॉर्म्स क्या हेल्प करते हैं? नॉर्म्स हेल्प टेस्ट यूजर्स इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर्स. क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ हमको रिजल्ट बता देने से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता. हमारा काम तब समाप्त होता है जब हम उसकी व्याख्या करते हैं, परिणामों की व्याख्या. जब हम परिणाम की व्याख्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तभी कोई अर्थ निकल कर आएगा उस परीक्षण का जो कि हमने संपादित किया है अपने विषय पर. तो नॉर्म्स मानक जो है यही मदद करते हैं, हमारी व्याख्या करने में मदद करते हैं. जब भी हमारा रॉ स्कोर स्टूडेंट का आ जाएगा, तुरंत हम उसकी नॉर्म से तुलना करेंगे, हम बता देंगे कि इसने बेहतर परफॉर्म किया है तो उसको किस प्रकार का ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं, अगर उसने खराब परफॉर्म किया है तो उसको किस प्रकार की रेमेडी की जरूरत है. ओके, बिफोर द इंटरप्रिटेशन रॉ स्कोर्स देमसेल्व्स आर मीनिंगलेस. अगर हम व्याख्या नहीं करते हैं तो रॉ स्कोर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थविहीन है. ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं. ओके, देन the typical standard of performance on a test as established by testing group of people, the standardization group. कहाँ से हमको norm मिल के आ रहा है? Standardization group से, या norming group से, या standardization sample से निकल कर आ रहा है.
उससे हम एनालिसिस करते हैं अपने विषय के स्कोर की। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, हम लोग नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस की भी बात कर चुके हैं, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए फिर से। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद द टेस्ट नॉर्म टू एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द टेस्टेड इंडिविजुअल्स इन ए प्री डिफाइंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो प्री डिफाइंड है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेट बीइंग मेजर्ड। जिस भी ट्रेट की, जिस भी गुण का हम मापन करने जा रहे हैं अपने विषय में, उसके लिए प्री डिफाइंड पॉपुलेशन में हमको जो उसको हमने स्टैंडर्डाइजेशन ग्रुप का नाम दिया है उससे हम उसकी तुलना करते हैं, वहां से हम परफॉर्मेंस लेते हैं कि ये एवरेज परफॉर्मेंस है। ओके, और स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कहेंगे किसको? अ लार्ज सैंपल ऑफ टेस्ट टेकर्स हु रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन फॉर विच द टेस्ट इज इंटेंडेड, जिसके लिए परीक्षण बनाया गया है। This standardization sample is also referred to as the norm group, norming group. इसको norm group कहा जाता है, norming group कहा जाता है, standardization group कहा जाता है, standardization sample कहा जाता है। फिर एक खास बात क्या? Sorry. Norms are not standards of performance. ये बात ध्यान देने की है कि हम ये नहीं कह रहे कि आपको वहां तक परफॉर्म करना है, स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक रेफरेंस हमको कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा कि हाँ मैक्सिमम लोग इतना परफॉर्म करते हैं या एवरेज परफॉर्मेंस इतनी है। हम क्यों मैक्सिमम कह रहे हैं? क्योंकि एनपीसी हमको क्या बताता है कि मैक्सिमम स्कोर कहाँ लाइक करता है? जो एवरेज लोग है वही मैक्सिमम है, जो डेविएशन वाले हैं, जो टेल्स की तरफ है दोनों, वो बहुत कम होते हैं। तो एवरेज परफॉर्मेंस ऐसा, एवरेज पॉपुलेशन ऐसा परफॉर्म करती है, तो आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसा परफॉर्म करें, बिलो या अबव? सिर्फ ये बताता है नॉर्म, ये नहीं बताता है कि आपको यहां तक परफॉर्म करना है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ओके, और यहां बट सर्व एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, कहीं कहीं जरा सा रह जाता टाइपिंग। ओके, फिर पर्पसेस ऑफ नॉर्म्स, हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम उसमें बात कर रहे हैं कि रॉ स्कोर का इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमको नॉर्म की जरूरत पड़ी जहां से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकें। तो पर्पस क्या है इसके? दो मेन पर्पस हैं। कौन कौन से? नॉर्म्स इंडिकेट द इंडिविजुअल्स रिलेटिव स्टैंडिंग इन नॉर्मेटिव सैंपल, यानी कि जो नॉर्मेटिव सैंपल है हमारा, जो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल है, उससे हम संदर्भित व्याख्या करेंगे कि हमारे विषय ने, हमारे इंडिविजुअल ने, हमारे स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, कहां स्टैंड करता है, एंड दस परमिट इवेल्युएशन ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस इन रेफरेंस टू अदर पर्सन, यानी कि व्यक्तियों के और व्यक्तियों के रेफरेंस में कैसा परफॉर्म किया स्टूडेंट ने, एक तो ये बात। दूसरी, नॉर्म्स प्रोवाइड कंपेयर्ड मेजर्स दैट परमिटेड अ डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन ए डिफरेंट टेस्ट, यानी कि हम एक टेस्ट में बाकी लोगों के कंपेरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हम, मतलब स्टूडेंट इंडिविजुअल, एक टेस्ट के अलावा बाकी टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सब तरीके का कंपेरिजन हमको नॉर्म से मिलता है। और फ्रांसिस गेल्टन एट द फर्स्ट टाइम डेवलप द लॉजिक फॉर नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग इन द 18th सेंचुरी। हम लोगों ने कब फ्रांसिस गेल्टन को पढ़ा था? हम लोगों ने फ्रांसिस गेल्टन को पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस में। ये जो चार्ल्स डार्विन के कजिन ब्रदर लगते थे, हाफ कजिन, इन्होंने उस वक्त 18वीं शताब्दी में ये लॉजिक डेवलप किया कि नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए, जिसको हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वेल, फिर characteristics, कुछ विशेष गुण होते हैं नॉर्म के। पहली बात क्या? नॉवेल्टी होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। नॉर्म शुड नॉट बी आउटडेटेड। ऐसा नहीं होगा कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन ने जो नॉर्म डेवलप किए थे उससे हम आज अपने विषय की तुलना नहीं कर सकते। ये अपडेटेड होना चाहिए समय समय पर। क्यों? क्योंकि हम फ्लाइंग इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। अब फ्लाइंग इफेक्ट क्या है, इसको पढ़ने के लिए आप कंसेप्ट ऑफ आई क्यू सुनिए कि फ्लाइंग इफेक्ट क्या चीज है। तो समय समय पर आईक्यू का स्टैंडर्ड बदल रहा है इंटेलिजेंस, क्यों? क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नॉर्म चेंज हो रहे हैं समय के हिसाब से। तो नॉर्म शुड बी नॉवेल, नॉर्म शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, इट शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम द स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ग्रुप हूज स्कोर्स हैव टू बी एनालाइज्ड। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पॉपुलेशन से अपने सैंपल की तुलना करेंगे, हमारा सैंपल उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। देन इट शुड बी मीनिंगफुल टू, ये अर्थपूर्ण भी होना चाहिए और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। इट शुड बी म्यूचुअली कंपेरेबल, ओनली देन दीज नॉर्म्स कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, तभी हम इस नॉर्म की तुलना दूसरे विद्यार्थियों के संग कर पाएंगे। फिर टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, देखिए हर जगह आप जब टाइप्स ऑफ नॉर्म ढूंढेंगे तो आपको यही चार नॉर्म मिलते हैं, कहीं कहीं स्टेनाइन भी मिलता है, मैंने स्टेनाइन को नहीं लिया है। पर्सेंटाइल नॉर्म्स, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, जिसमें स्टैंडर्ड स्कोर पे हम लोग चूंकि पहले बात कर चुके हैं इसलिए स्टैंडर्ड स्कोर को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो डिस्कस हम लोग सिर्फ तीन करेंगे, पर्सेंटाइल नॉर्म्स, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स। तो पर्सेंटाइल नॉर्म्स क्या है?
The first type of norms utilized in psychological testing are the percentile rank norms, commonly utilized as a means of measuring the rate in which a particular individual measures against others within their norm group. यानी कि अपने ही norm group में बाकी individual के against हमने कैसा perform किया है वो हमारी percentile rank होती है. Percentile rank simply expresses the percentage of persons in the standardized sample who scored below or equal to that specific raw score. मतलब कि अगर हमारी 75th परसेंटाइल पे हम हैं, हमारी परसेंटाइल रैंक 75 है, इसका मतलब कि हमने 75% विद्यार्थियों से बेहतर परफॉर्म किया है, या हम क्या कह सकते हैं कि 25% विद्यार्थियों ने हमसे बेहतर परफॉर्म किया है. ओके, ये मतलब होता है परसेंटाइल रैंक का. तो ये पहले प्रकार का नॉर्म है जिसके अगेंस्ट हम विषय की तुलना कर सकते हैं. फिर एज नॉर्म्स. एज नॉर्म्स क्या कह रहा है? अब देखिए, एज नॉर्म का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? द टर्म मेंटल एज, जब साइमन बी ने 1905 में अपना पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहे हैं, वहां से ये मेंटल एज आया, फिर एज नॉर्म बन गया ये. द टर्म मेंटल एज वाज वाइडली पॉपुलराइज्ड थ्रू द वेरियस ट्रांसलेशन एंड एडैप्टेशंस ऑफ द बिने साइमन स्केल्स, ऑल्दो बिने हिमसेल्फ हैड एम्प्लॉयड द मोर न्यूट्रल टर्म मेंटल लेवल. मतलब बिने साइमन बिने जब अपना परीक्षण बना रहे थे, उन्होंने क्यों आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 है, तो कहीं तो मेंटल एज का उन्होंने कॉन्सेप्ट लाए, लेकिन उन्होंने खुद मेंटल लेवल लिया था इसको. लेकिन बाद बाद वो ट्रांसलेशन होता रहा, एडेप्टेशन होता रहा, तो कालांतर में मेंटल एज बन गया. तो मेंटल एज से ही एज नॉर्म निकल के आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दोज आइटम्स पास बाई द मेजोरिटी ऑफ 7 year olds इन द स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल वर प्लेस्ड इन द 7 year level एंड सो फोर्थ. मतलब कैसे सेट किया गया कि उन्होंने परीक्षण किए 5 साल के बच्चों पे, 6 साल के बच्चों पे, 7 साल के बच्चों पे, तो उन्होंने देखा कि 5 साल तक के बच्चे मैक्सिमम जो सवाल सही कर ले रहे हैं उसको उन्होंने कह दिया कि ये 5 year का एज नॉर्म है. फिर 6 year का एज नॉर्म है, 7 year का एज नॉर्म का मतलब 7 साल के बच्चे मैक्सिमम जो सवाल सही कर लेते हैं, तो वो 7 year का सेट हो गया, ताकि अगली बार जब हम 7 years के स्टूडेंट्स पे उसको परफॉर्म करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो नॉर्म के अबव परफॉर्म, बिलो परफॉर्म करें या अबव परफॉर्म करें. ओके, फिर मेंटल एज नॉर्म्स हैव ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड विद टेस्ट्स दैट आर नॉट डिवाइडेड इनटू ईयर लेवल्स. ऐसा भी हो सकता है, इन सच अ केस द चाइल्ड्स रॉ स्कोर इज फर्स्ट डिटरमाइंड. उसमें क्या करते हैं, पहले चाइल्ड का रॉ स्कोर निकालते हैं. और कैसे निकालते हैं? द मीन रॉ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द चिल्ड्रन इन ईच ईयर ग्रुप विद इन द स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कॉन्स्टिट्यूट द एज नॉर्म्स फॉर सच अ टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, मीन रॉ स्कोर निकाल दिया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल में, और उसी को उस टेस्ट के एज नॉर्म बना देते हैं. ओके, और बेसिक एजम्पशन इसमें क्या है? बेसिक एजम्पशन इन दिस टाइप ऑफ नॉर्म इज दैट वेरिएबल शुड इंक्रीज विद द एज. मतलब चल जो है वो उम्र के संग बढ़ना चाहिए. जैसे एज हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, रीडिंग एबिलिटी, वोकैब, मेंटल एज एटसेट्रा. जैसे कि हम एज हाइट देखते हैं ना एज के हिसाब से, कि 8 साल का हमारा बच्चा हो गया तो 8 साल के बच्चे की आपको मिल जाता है हाइट चार्ट की, बॉय है तो ये एज नॉर्म है और ये गर्ल है तो ये एज नॉर्म है, तो हम उसके अगेंस्ट कंपेरिजन कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है हम नॉर्मल रेंज में हैं, या हम रेंज से कम चल रहे हैं, या हम रेंज से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो ये एज नॉर्म हुआ. ग्रेड नॉर्म्स. ग्रेड नॉर्म और एज नॉर्म में ज्यादा अंतर नहीं है, सिमिलर टू एज नॉर्म. एज नॉर्म से मिलता जुलता है, विद द ओनली डिफरेंस, सिर्फ ये अंतर है कि व्हाइल एज नॉर्म्स आर रिलेटेड विद एज, एज नॉर्म्स हमारी उम्र से जुड़ा हुआ है कि इस उम्र में हमको ये तरीके की एबिलिटी होनी चाहिए. ग्रेड नॉर्म्स आर रिलेटेड विद क्लास, ये क्लास से जुड़ा हुआ है कि इस क्लास के बच्चे इतना परफॉर्म करते हैं, इस क्लास के बच्चे यहां तक परफॉर्म कर लेंगे, इस क्लास के बच्चों का ग्रेड नॉर्म ये है. ओके, बाई ग्रेड नॉर्म इन ए टेस्ट इज मेंट दैट द एवरेज स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस. मतलब 6th class के बच्चे इतने सवाल सही कर लेते हैं, 7th class के बच्चों में ये मैथमेटिकल एबिलिटी है, 8th class के बच्चों का ये रीडिंग एबिलिटी है, तो इस तरह से ग्रेड नॉर्म सेट किया गया. फिर स्कोर्स ऑन एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट आर ऑफन इंटरप्रेटेड इन ग्रेड नॉर्म्स. जब हम एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट निकालते हैं तो हम उसको ग्रेड नॉर्म के अगेंस्ट इंटरप्रेट करते हैं. दीज आर फाउंड बाई कंप्यूटिंग द मीन रॉ स्कोर ऑब्टेन बाई चिल्ड्रन इन ईच ग्रेड. यही किया ना, जहां वहां मीन रॉ स्कोर एज के लिए निकाल रहे थे, यहाँ मीन रॉ स्कोर ग्रेड के लिए निकाल रहे हैं. दस इट द एवरेज If होना चाहिए sorry. Thus, if the average number of problems solved correctly on an arithmetic test by the fourth graders in the standardization sample is 23, thus a raw score of 23 corresponds to grade equivalent of 4. यानी कि कह रहे हैं कि अगर 4 fourth class के बच्चे
का स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल में उनका 23 आ रहा है स्कोर, तो हम क्या कह देंगे कि फोर्थ क्लास के बच्चों का ग्रेड इक्विवेलेंट 23 के अकॉर्डिंग है, यानी कि हमने अपने स्टूडेंट्स पे अगर उसको एम्प्लाई किया और वो 25 उनके नंबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो फोर्थ ग्रेड नॉर्म से अबव परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आया? मतलब नॉर्म क्या है, एक रेफरेंस है जिससे हम अपने रॉ स्कोर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब तक हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे तब तक वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमको एक रेफरेंस सैंपल चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल के अगेंस्ट, हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इवेलुएट करते हैं और तब अपने परिणामों की व्याख्या करते हैं। तब जाकर सही मायनों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण संपूर्ण होते हैं। ओके, सो आई हैव कवर्ड नॉर्म्स जिसमें कि एज नॉर्म, ग्रेड नॉर्म, परसेंटाइल नॉर्म, स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म, एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड एंड कवर्ड टू। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट, द डिलीवरी एंड इट इज वर्दी टू यू, एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।